अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हमजा और आप देख रहे हैं डिज़ाइन 707। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया का पोस्टर न्यू डिज़ाइन में। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल ले ली न्यू, ठीक है, न्यू फाइल इलस्ट्रेटर में मैंने ली। इसका साइज़ मैं रखूँगा यहाँ पर पिक्सल में इसको दे दूँगा। वेट इसकी दूंगा मैं 1400 बाय 1400। स्क्वेयर बॉक्स लेंगे हम लोग, ठीक है, 1400 बाय 1400 ये। और यहाँ से कलर मोड RGB रख लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये जो इशू है इसका कोई इशू नहीं, क्रिएट कर देंगे सिंपली हमारे, बस यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर एक स्क्वायर टाइप। तो अब यहाँ पर मैं एक बॉक्स लूँगा, ठीक है, 1400 बाय 1400 का जो हमारा था ये कैनवास साइज़ सेम। तो ओके करूँगा, यहाँ पर पिक टूल ये यहाँ पे लाया। इसका जो स्टोक है वो मैं नन कर दूँगा यहाँ पे, फिल वाइट ही रहेगा। और ये मैं लाता हूँ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन टूल, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन टूल लेकर यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये डायरेक्ट नीचे जाएगा, बट मैं यहाँ पर ले करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एक लाइन ली मैंने, इसका स्ट्रोक दे दिया ब्लैक कलर में। अब यहाँ पर लेकर इसको यहाँ पर ड्रैग करूँगा मैं, ठीक है, और पिक टूल लिया, इसको मैं थोड़ा सा बाहर भी निकाल देता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके आप लोग करेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट में जाएगा, शिफ्ट दबा कर रखेंगे तो ये स्ट्रेट में यहाँ तक आ गया। अब मैं सबको सेलेक्ट कर लूँगा ऑल, ठीक है, कंट्रोल ए करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी ड्रैग करके भी सबको सेलेक्ट करना है। तो मैंने सबको सेलेक्ट किया, विंडो में गया, पाथ फाइंडर में गया, यहाँ पर ये फर्स्ट वाली ऑप्शन जो आ रही है, ये वाली पाथ फाइंडर में फर्स्ट वाली ऑप्शन, इसको सेलेक्ट कर दूंगा। करने के बाद अब ये देखें पार्ट शेप में कन्वर्ट हो गया। राइट क्लिक करूँगा, अनग्रुप किया, इसको सेलेक्ट करके इसको मैं कलर दूँगा। इसका कलर मैं यहाँ से रख देता हूँ ब्लू, स्ट्रोक में हो गया, इसको मैं फिल में करूँगा ब्लू, और इसकी ओपेसिटी कर दूंगा कम ट्रांसपेरेंसी में जाके। अगर ये आपके पास पैनल्स यहाँ पर ओपन नहीं है तो आप लोग विंडो में जा सकते हैं, विंडो वाले पैनल में ऊपर वाले जाकर वहाँ पर आप लोगों को ये सब मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए शिफ्ट पेन टूल लिया मैंने, शिफ्ट प्रेस करके लाऊंगा तो सीधा आएगा। यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया, सीधा गया यहाँ पर। इसको भी मैं सेम वही कलर दे दूंगा 50%, ठीक है। ये मैं बस थोड़ा सा आगे करूँगा, इसकी तरफ जो बीच में वाइट लाइन आ रही है उसको मैं ब्रीक करना चाह रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इसको क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा करूँगा यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर एक बॉक्स लूँगा मैं इतना, और इसको मैं रोटेट करूँगा शिफ्ट प्रेस करके 315 डिग्री, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो इसको लेवल पर बराबर पर रोटेट करेगा। इसकी मैंने कॉपी ले लिया है और इसको मैं एक छोटा करूँगा, एक बड़ा रखूँगा, इसको थोड़ा और छोटा करूँगा, आप लोग रिसाइज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको साइज़ चेंज कर रहा हूँ, एक छोटा रखूँगा और एक बड़ा, कुछ इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दो कलर्स हैं, ये इस पोस्टर की कलर स्कीम है हमारे पास। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप ली, ये वाली कुछ इस तरह की शेप ली है हमने, और इसको मैं लेकर जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ लाया, शिफ्ट प्रेस करके इसको रोटेट कर दूँगा 45 डिग्री पे, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके। अब ये जो हमारे पास दो बॉक्सेस हैं बड़े वाले, इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में जाऊँगा, ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा, ये ऊपर आ जाएंगे, वो जो हमने शेप बनाई थी रेक्टेंगल वो इनके पीछे चली जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट किया हुआ है, पिक टूल लूँगा, ये वाला कलर करूँगा मैं, पिक टूल लेकर ये कलर जो स्कीम में पिक किया कलर, और ये वहाँ पर कलर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लूँगा शिफ्ट दबाकर, कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन ली। इसका स्टॉक मैं रख दूँगा, पिक करूँगा ये वाले कलर का, ठीक है, इस कलर का स्टॉक चाहिए मुझे। तो कलर को सिंपली मैं पिक किया हुआ है, स्टॉक थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा इसका, ठीक है, और ये स्टॉक में कलर जोन सा है वही कलर इसमें अभी कर रहा है। तो मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो
कलर, ये वाला कलर जो हमारे पास फोरग्राउंड में है, ये इसको मैंने पिक किया और वहाँ पर ले गया, ये वहाँ कलर आ जाएगा। फिर इसको स्ट्रोक में आकर ये कलर कर दूँगा। इसको भी मैं ऐसे शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करूँगा 45 डिग्री पे, ये ऐसे, ये रोटेट हुआ, यहाँ ले आया मैं इसके साथ ऐसे। बॉक्सेस को दोबारा से क्लिक करके अरेंज टू ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा दोनों को, ताकि वो लाइन इसके बैक पे चली जाए और ये फ्रंट पर रहे। इस तरह इसको मैं अरेंज कर लूँगा, दोनों को सेंटर में ले आऊँगा इस तरह। दोनों को सेंटर पे अरेंज किया। अब मैं क्या करूँगा, ये पिक्चर लेकर आया हूँ, ठीक है, इम्बेड करूँगा पिक्चर को यहाँ पर, इसको रिसाइज करूँगा, छोटा करूँगा, इस बॉक्स के ऊपर लेकर आऊँगा और इस बॉक्स को राइट क्लिक करके फ्रंट करूँगा, फ्रंट पर लाऊँगा और पिक्चर इसके बैक पर लाऊँगा और इसकी पेस्टी कम करूँगा ताकि मुझे पीछे से पिक्चर नज़र आ जाए और मैं इसको अरेंज कर सकूँ इसके ऊपर, ताकि जब मैं क्लिपिंग मास्क करूँ इसके ऊपर आए पूरी। तो दोनों को अरेंज करने के बाद मैं दोनों को शिफ्ट प्रेस करके बॉक्स को भी और पिक को भी सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके मेक अ क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। इसको सिलेक्ट करते हुए स्ट्रोक में इसको वाइट कलर का दूंगा, यहाँ स्ट्रोक में आ जाऊँगा, स्ट्रोक थोड़ा सा इसका मैं बढ़ाऊँगा, तकरीबन मैं इसको 50 PT पे रखूँगा, 15, ठीक है, अभी कम है, 15 पे लेके जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही इसको मैं इफ़ेक्ट दूंगा यहाँ पर, ड्रॉप शेडो 7x7 एक्सिस 5 ब्लर, ओके किया। अब मैं दूसरी इमेज लेकर आऊँगा अपनी इसके अंदर, ठीक है, जो छोटा बॉक्स है उसके ऊपर लगाने के लिए, इसको अरेंज कर दूंगा यहाँ पर इस तरह। अब मैं यहाँ पर दूसरी पिक्च ले आया, इसको भी अरेंज करूँगा इस बॉक्स के ऊपर और वैसे ही सेम टू सेम अप्लाई करके इसको भी अरेंज करके इसके भी क्लिपिंग मास्क कर दूंगा, ठीक है। इसको भी स्ट्रोक दूंगा मैं, स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, स्ट्रोक इसका थोड़ा सा कम रखूँगा, उससे काफ़ी बड़ा हो गया। मैं इसको स्ट्रोक दूंगा 9 कर दूँगा, बल्कि 8 ही, ठीक है। तो ये करने के बाद इसको भी मैं इफेक्ट दे दूँगा ड्रॉप शैडो का, यहाँ पर दिया इसको पर, ओके किया मैंने। अब यहाँ पर मैं एक शेप ड्रा करने लगा हूँ, पेन टूल लिया सिंपल, यहाँ क्लिक और यहाँ पे क्लिक, इसको यहाँ लिया, इसका स्ट्रोक कलर दिया मैंने, स्ट्रोक बढ़ाया थोड़ा सा, इसको क्लिक किया, स्ट्रोक बढ़ाया थोड़ा सा मैंने इसका, इतना भी नहीं इतना, और इसको अरेंज कर दूँगा पकड़ के ए यहाँ पे इस वाइट वाले से बाहर तक, ठीक है, ये देखिए यहाँ तक कुछ इस तरह से मैं इसको अरेंज कर दूँगा, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही मैं इसके साथ भी करूँगा, यहाँ पर इस कॉर्नर में, इधर भी मैं पेन टूल लूँगा, क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर इसको भी अरेंज कर दूँगा इस तरह। पेन टूल की शॉर्टकट है पी, पी प्रेस करेंगे तो पेन टूल आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप लूँगा बॉक्स, ये इतने साइज़ का, और इसको मैं कलर दूंगा ये वाला ब्लू, लाइट ब्लू, इसको मैंने ओपेसिटी कम की थी, और इसको मैं इसी तरह रोटेट कर दूंगा शिफ्ट प्रेस करके ऐसे, और इसको बॉर्डर पे लगा दूंगा ऐसे। अब यहाँ मैं पेन टूल लूँगा, मैं यहाँ पर एक शेप ड्रा करूँगा शिफ्ट प्रेस करके इस तरह, ये वाला कलर, ठीक है। आल्ट प्रेस करके इसकी मैं 2 कॉपीज ले लूँगा इसी शेप की, आल्ट प्रेस करके, ये एक, ये 2। अब मैं जाऊँगा इसी के ऊपर, इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, दोनों को एक जैसा अरेंज करके इनका कलर दूँगा, कलर देने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी 100% कर दूँगा, इसको एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा और छोटा करूँगा, इसको भी दूसरे वाले को भी मैं इसी के बराबर छोटा करूँगा, दोनों को एक जैसा करने के बाद ऐसे, ठीक है, इसको छोटा करूँगा ये यहाँ पे, और इसकी मैं कॉपी लूँगा ऑल्ट प्रेस करके, ये देखिए शिफ्ट प्रेस करूँगा, सीधा नीचे ले आऊँगा शिफ्ट प्रेस करते हुए ऐसे। ये करने के बाद मैं पेन टूल लूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा अनग्रुप करके, और पेन टूल लेकर इधर शेप ड्रा करूँगा यहाँ तक ऐसे, इसका भी वही कलर रहेगा। अब मैं यहाँ पे सर्कल लूँगा शेप में,
एलिप्स टूल, और यहाँ पर छोटा सा एक सर्कल ड्रा करूँगा वाइट कलर में। यहाँ पे आल्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कॉपी कुछ चार, ठीक है, इनको मैं अरेंज कर लूँगा लेवल पर बराबर पे। आप लोग भी इस तरह सर्कल्स लेके इनको अरेंज कर लेना। और अरेंज करने के बाद सबको, चारों को सेलेक्ट करूँगा, ग्रुप करूँगा और आल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस के नीचे ले आऊँगा। फिर इसी तरह सेम शिफ्ट प्रेस करके ऐसे, तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन बन जाएगा इस तरह का कुछ। अब क्या करूँगा, यहाँ पर एक सर्कल लिया मैंने, पिक टूल लिया मैंने, यहाँ पर इसको स्ट्रोक जो है वो मैं दे दूँगा इस कलर का, जो हमारी कलर स्कीम है। ये स्ट्रोक दिया, स्ट्रोक छोटा है, थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा स्ट्रोक तकरीबन 5, और इसको मैं शेडो दूँगा, ठीक है। फिल हमारा वाइट ही है, इसको क्लिक किया, अफेक्ट्स में जाऊंगा, थोड़ा सा छोटा सेलेक्ट करके अफेक्ट्स में, और इसको मैं ड्रॉप शेडो दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे। पर इसके एक्स और वाई एक्सिस जो है मैं पिक्सल्स कम करूंगा, 5-5 कर दूंगा दोनों के, ओके किया। और इसको जो वापस से सेलेक्ट करके इसका जो फिल है उसको नन कर दूंगा और स्ट्रोक रहने दूंगा। फिल वाइट था, नन किया, वो देखें शेडो चारों तरफ से आएगी। इसी की मैं एक और कॉपी लूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा, ये देखिए कॉपी आ गई। इसको मैं ले जाऊँगा ड्रैग करके सबसे ऊपर, सेलेक्ट किया, यहाँ पे ले आया, ठीक है, कुछ इस तरह। अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, आप लोग यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हैं, जिसका भी पोस्टर क्रिएट कर रहे हैं उसका लोगो लगेगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोगो सिंपली, ये टैग फाउंट लिया मैंने, यहाँ पर सर्कल लिया एक ऐसे, इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा और इस टेक्स्ट को मैं वाइट कर दूँगा, बाकी ब्लैक ही रहने दूँगा, अरेंज कर दूँगा ऐसे। ये मेरे पास लोगो आ गया यहाँ पर। अब क्या करूँगा, अब यहाँ पर 50% फॉन्ट लूँगा और इसका कलर रखूँगा मैं ये वाला। अब एक और टेक्स्ट इसके नीचे आएगा, ऑफ 50% ऑफ, ऑफ का ग्रे कलर यहाँ पे। फिर से एक टेक्स्ट लूँगा मैं ये, और मैं लिखूँगा स्पेशल ऑफर। इसका फॉन्ट जो है, इसका फॉन्ट मैं यहाँ से रखूँगा सिग्नेचर, स्टॉक बढ़ा दूँगा इसका, यहाँ पर रखूँगा। इसको भी मैं ग्रे कलर में लेके जाऊँगा यहाँ पर इस तरह। एक और टैक्स, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कलर का टैक्स रखूँगा, थोड़ा सा कुछ इस तरह का अरेंज करूँगा। इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो कम करूँगा यहाँ पर, और इसको भी बोल्ड कोई टैक्स दूंगा, कलर दे दूंगा जो उनसे हमारी कलर स्कीम है, वो कलर दे दिया ये ऐसे। अब हमारे पास लास्ट रह गया फ़ोन नंबर, तो इधर मैं लिखूंगा फ़ोन, टैक्स दे दूंगा थोड़ा सा ये कुछ इस तरह का, और अब यहाँ पर नंबर लिखूंगा, नंबर आप लोग अरेंज कर लिएगा जो सा भी आपने नंबर देना, नंबर दे दें कुछ इस तरह का, जिस तरह का भी आप लोग। यहाँ पर अगर आइकन लगाना चाहते हैं अपना, आइकन लाकर यहाँ पर इमेज ट्रेस करके आइकन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली अभी लिख रहा हूँ, आप लोग अपना आइकन लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लिंक लगाना चाहते हैं, कोई वर्ड लिखना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पोस्टर, ये देखिए यहाँ पर मैं एक बॉक्स लेता हूँ कुछ इस तरह का, और पिक टूल लेके इसको गोल कर दूंगा साइडों से, जो ड्रॉप है यहाँ लिखूंगा शॉप नाउ, टेक्स वाइट कलर में, थोड़ा सा बोल्ड इस तरह का, तो साइज थोड़ा छोटा रेंज करूंगा दोनों को, सेंटर में करूंगा यहाँ से सेंटर किया, और इसको थोड़ा सा और छोटा करूंगा, ग्रुप करूंगा, और ग्रुप करने के बाद यहाँ लाकर साइज थोड़ा सा छोटा करूंगा यहाँ पे। इसको भी मैं ड्रॉप शेडो दे दूंगा यहाँ पे, ये शेडो थी मैंने। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पास पोस्टर रेडी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।